और नौजवान बेरोजगार है, 10-12 लाख रुपए मिल भी जाए 4 साल बाद, क्या करेगा? एक शादी करेगा, पार्टी देगा तो वही खत्म। 10-12 लाख होता क्या है? उसके बाद अपने परिवार कैसे चलाएगा? वो गांव गांव में, शहर शहर में, गलियों में फैले रहेंगे, उसको बंदूक चलाना आता है, उसको और बहुत सारी आर्म्स की ट्रेनिंग होगी, और यदि वो गलत हाथों में चला गया इतनी बड़ी संख्या में, तो फिर समाज की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में कोई कल्पना है? जो चर्चाएं हुई और जो बातें जो छन के आई है, तो ऐसे जो नक्सलियों को ट्रेनिंग देने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, जो कभी सुनने में आया लिट्टे से मिलता है, कभी कहते हैं भूतपूर्व सैनिक है या कोई इंजीनियर है, उस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, तो यदि इस प्रकार की संख्या बढ़ेगी और नौजवान बेरोजगार है, 10-12 लाख रुपए मिल भी जाए 4 साल बाद, क्या करेगा? एक शादी करेगा, पार्टी देगा तो वही खत्म। 10-12 लाख होता क्या है? उसके बाद अपने परिवार कैसे चलाएगा? और फिर सेना में जाने के बाद उसकी मानसिकता क्या होती है? सेना में दो ही चीज़ बताई जाती है, या तो तुम्हारा दुश्मन है या दोस्त है, तीसरी चीज़ कुछ नहीं। अब पुलिसिंग में जो लाइन आर्डर की स्थिति है, उसमें सबसे बातचीत करते हैं, हमारे एक एक कांस्टेबल को ट्रेनिंग दी जाती है कि स्थिति कैसे संभालना है। सोशल पुलिसिंग वही है कि हम कैसे संभालना है उसको, बल प्रयोग तो आखिरी है, और वहाँ दुश्मन है, मतलब सीधा गोली चलाओ, सीमा को उस पर दुश्मन दिखाएगी गोली चलाना है, तो दोनों की ट्रेनिंग जमीन आसमान का अंतर है। अब वैसे लोग आएंगे तो स्थिति क्या बनेगी, और फिर वो लड़के करेंगे क्या? 10% रख लेंगे, 25% रख लेंगे, फिर आखिर 65% लोग कहाँ जाएंगे, उसकी स्थिति क्या? वो गांव गांव में, शहर शहर में, गलियों में फैले रहेंगे, उसको बंदूक चलाना आता है, उसको और बहुत सारी आर्म्स की ट्रेनिंग होगी, और यदि वो गलत हाथों में चला गया इतनी बड़ी संख्या में, तो फिर समाज की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में कोई कल्पना है? तो भारत सरकार को बताना चाहिए, क्या उसके पास पैसा नहीं है? हम तो अभी भी कह रहे हैं कुछ बिगड़ा नहीं है, ये आदेश को वापस ले, और जो भर्ती सेना के जो पारंपरिक रूप से जो भर्ती होती थी उसको भर्ती करे, नौजवानों में आक्रोश खत्म हो, उसका उनका भी अपना परिवार है, उनकी भी भविष्य है, लेकिन एक जज्बा है देश सेवा की, तो दोनों की पूर्ति होनी चाहिए, देश सेवा भी होना चाहिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा भी होना चाहिए, और जो सैनिक हैं उसके परिवार के भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।